हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ एम्स के 6th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन उठाया मैंने आपके सामने फिजिक्स का। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जहाँ तक एम्स में आए हुए क्वेश्चन है, कोई गारंटी नहीं है, बट जो भी है मोस्ट प्रोबली एम्स में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके सामने लिया है। कब आए हैं, कैसे आए हैं, मुझे कोई इसकी गारंटी नहीं है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपके सामने, आपको दे दिया है ए, दे दिया है बी, दे दिया आपको वाई, यहाँ पर रिजल्टेंट देखना है आपके पास में एक्स और ऑप्शन में है, और है नॉर है नैंड है। तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को अगर पता होता है कि एक्स और क्या होता है तो उनको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि भैया जीरो है, जीरो है, जीरो है, और वन है, जीरो है, इसका मतलब एक्स और ही होगा आंसर। लेकिन अगर आपको एक्स और नहीं भी पता है तो बेसिकली स्टूडेंट्स को, जो वीक स्टूडेंट होते हैं, एवरेज स्टूडेंट, उनको इतना पता होता है कि और क्या होता है, और का उल्टा नॉर होता है, एंड क्या होता है, एंड का उल्टा नैंड होता है, उनको इतना पता होता है। तो आप लोग क्या करो, और चेक करो और है कि नहीं, आपको समझ में आएगा कि और नहीं है, नॉर चेक करो नॉर भी नहीं है, एंड नैंड चेक करो देखोगे आपको ये भी नहीं है, इसका मतलब ये तीनों नहीं है, तो आपके पास में बस एक्स और ही बचेगा। तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसको करेक्ट सॉल्व कर सकते हो। एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास में अगर एंड, यहाँ पर आपके पास मान लो और गेट है, तो और में क्या होता है, आपके पास में वन वन होता है तो भी वन होता है, लेकिन यहाँ पे तो जीरो दिया हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि ये और नहीं है, समझ रहे हो। इस तरीके से आप चेक करोगे, एंड चेक करोगे, नैंड कुछ नहीं आएगा, एक्स और यहाँ पर करेक्ट निकल के आएगा। और एक्स और क्या होता है उतनी डिटेल अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जाके रिसर्च करना एक्स और क्या होता है। यहाँ बस इतना आप जान करोगे कि जीरो जीरो होता है तो जीरो होता है, वन वन होता है तो जीरो होता है, और फिर जीरो वन में वन होता है, वन जीरो में वन होता है, ऐसा अगर केस बनता है तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये एक्स और गेट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो भाई, दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, अमरफस होते हैं, इस तरीके से होते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब उसमें बात आता है कि भैया एनाइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक, तो ये होता है हमारे पास में कि भैया अलग अलग डायरेक्शन में जो आपके पास में प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मैग्नीट्यूड्स होता है, वो अलग 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 होता है बेसिकली, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। और अगर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड वगैरह, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा भी हो सकता है, मान लो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट चाहिए, ये मान लो इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। जो मान लो कोई भी कैसे भी शेप हो गया, एक रेगुलर पैटर्न का शेप हुआ, उसमें ये गारंटी नहीं है कि हर डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सेम रहेंगे। तो इसलिए होता है कि एनाइसोट्रॉपिक निकल के आता है, आइसोट्रॉपिक नहीं आता। आइसोट्रॉपिक मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन में चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, हर जगह जो प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है, वो सेम है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, क्योंकि फिक्स पैटर्न कैसा भी शेप का बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे गारंटी नहीं सकते कि वो भैया हर जगह पर हर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए उसको एनाइसोट्रॉपिक के कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड एन इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूसेस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो भैया आपको पता होता है सेमीकंडक्टर वगैरह, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं उतना बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको मैं डायरेक्टली बात बताता हूँ कि भैया एन टाइप होता है एक, एक होता है पी टाइप होता है, ठीक है। एन टाइप के लिए क्या होता है, पेंटावेलेंट वाले ग्रुप में हम लोग जाते हैं, मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली में, है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो ये क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया फॉस्फोरस आंसर हो गया। उसी तरीके से पी टाइप होता है तो क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट के फैमिली में जाते हैं, मतलब कि जो हमारे पास में बोरॉन होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, उस कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है ना। बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, इस तरीके से याद रखते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, फिर यहाँ पर आता है इंडियम, है ना। तो यहाँ पर इंडियम आप देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, इंडियम ऑप्शन में है आपके पास में, है ना। फिर यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, ये कहाँ पर आया, ये इसके कैटेगरी में आया, फिफ्थ वाले में आया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, है ना, इस तरीके से एस, फिर बिस्मत वगैरह, ऐसे याद रखते हैं, निकित, प्रवीण, आयुष, सब, भिखारी, इस तरीके से हम लोग याद रखते थे, है ना। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, यहाँ पर बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, बाल गंगाधर, इंडियन, तिलक, इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर निकित, प्रवीण, आयुष, सब, भिखारी, तो ये हो गया बिस्मत, एंटीमोनी, आर्सेनिक, ऐसे कुछ टाइप के हो गए, जो भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि भैया साफ साफ समझ में आ रहा है, इंडियम आपके पास में ट्राइवेलेंट में आ रहा है, यहाँ पर आपके पास में फॉस्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट में आ रहा है, तो एन टाइप होता है भैया पेंटावेलेंट, पी टाइप होता है आपके पास में ट्राइवेलेंट। ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर हैज अ, देखो भाई कंडक्टर सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर में क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों होता है भैया, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का जो पेयर है वो बढ़ने लगता है, चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, फाइनाइट रेजिस्टेंस विच डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ना, ये एकदम एकदम करेक्ट निकल के आता है, ठीक है ना।
यहाँ पर जो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर है गलत हो गया, डज नॉट डिपेंड टेम्परेचर और गलत हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट 0°C ये आइडियल केस होता है, ठीक है ना, टेंड करता है इन्फिनिटी को अगर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या बात हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बढ़ेगा तो उसके वजह से रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, चार्ज कैरियर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर को 0° कर दे तो उस केस में क्या होता है, चार्ज कैरियर नहीं होता है, चार्ज कैरियर यहाँ पे नहीं होता है, तो चार्ज कैरियर नहीं होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट को टेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है प्योर सेमीकंडक्टर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये एक यहाँ पर लिमिटिंग केस है कि वो इनफाइनाइट को टेंड करता है, ठीक है, 0°C पे। इसी तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा और आपने से कुछ सीखा जो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।